हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर में। आज के इस वीडियो में हम एक और वैकेंसी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं और स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। यह जो पोस्ट है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स ने जो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी घोषित की है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से वैकेंसी भरी जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पोस्ट का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर रहेगा, जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है, वो मात्र ग्रेजुएशन रखी गई है एंड इसके साथ सर्टिफिकेट इशूड बाय डिफेंस एजेंसीज एंड पर्सनल। सो यह अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो भी आपको एलिजिबल माना जाएगा। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो वो मिनिमम 3 इयर्स का है और उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स में होना चाहिए। यह जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए कि आप अगर ट्रेनिंग के फील्ड में अगर आपने काम किया है एंड वाटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में अगर आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है तो आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट माने जाएंगे। इसके साथ साथ एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो 35 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। यह जो आवेदन प्रक्रिया है, यह ऑफलाइन माध्यम से रखी गई है, जिसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है वह 27/7/2021 से लेके 5/8/2021 के बीच रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट यानी iitm.ac.in पे कैंडिडेट जाके और ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकता है। वैसे आपके कन्वीनियंस के लिए हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी एडवर्टाइजमेंट जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिलीज़ हुआ था वह अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रखा है, जो कि है alert.exampathfinder.com। अगर आप इस वैकेंसी से इंटरेस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नोटिस के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पोस्ट हैं, ये 2 पोस्ट आई गई हैं, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके लिए जो पे लेवल है वो लेवल 7 का है। पे मैट्रिक्स जो रहेगी वह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेथड और रिक्रूटमेंट, जैसा हमने बताया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, बट इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी। जी हाँ, आप देख पाएंगे जैसे एंड में कि एप्लीकेशन फ़ीस है जो 1000 रुपये रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि यह दोनों ही सीट्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, तो बाकी आप देख सकते हैं आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट होगा वो भी अप्लाई वो कर सकते हैं, बट उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो फीस पे करनी होगी वो RTGS या NEFT के द्वारा भरनी होगी। वही अकाउंट नंबर आप देख पा रहे हैं इस अकाउंट पे। फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे जो आप अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लेना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे फोरम का हेल्प भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है community.exampathfinder.com। यहाँ आप आके इस सेक्शन में आप कम्युनिटी से डिस्कशंस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अगर कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है जो आप पब्लिक इंफॉर्मेशन आप कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अलर्ट सर्विसेज को भी हमारे जो कि है alert.exampathfinder.com को इस सब्सक्राइब बटन के थ्रू सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।